उत्तर छत्तीसगढ़ में सबसे खूबसूरत जिला है सरगुजा। नैसर्गिक सुंदरता को ओढ़े हुए इस जिले की पहचान आज खनिज संपदाओं के साथ पुरातात्विक और ऐतिहासिक भी हो चली है। तो वही यह जिला पर्यटन जिले के तौर पर भी देश और विदेशों में प्रसिद्धि हासिल किए हुए। ऐसे जिले को बीते 2 सालों में भूपेश सरकार ने विकास कार्यों की कई ढेरों सौगात देखी। कैसे, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। देश भर में स्वच्छता के साथ ही अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध यह सरगुजा जिला है। सरगुजा जिले को देश विदेश में पर्यटन जिले के तौर पर भी जाना जाता है। लिहाजा भूपेश सरकार उत्तर छत्तीसगढ़ के इस गौरवशाली इलाका सरगुजा को संवारने और विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। भूपेश सरकार ने बीते 2 वर्षों में सरगुजा में विकास कार्यों की ढेरों सौगातें दी हैं। जैसे कि इन तस्वीरों को देखकर आप समझ ही रहे होंगे, यह जिला मुख्यालय अंबिकापुर में 14 दिसंबर को आयोजित कार्यक्रम का नजारा है। इस कार्यक्रम के मंच से मुख्यमंत्री ने 633 करोड़ 88 लाख की सौगात दी। उन्होंने इस मौके पर 110 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। आइए आपको बताते हैं कुछ और प्रमुख सौगातों के बारे में। सीतापुर में उद्यानिकी महाविद्यालय, मैन पार्ट में बायोडायवर्सिटी पार्क, विकासखंड मुख्यालयों से संभाग को जोड़ने वाली सभी सड़कों का उन्नयन, मैन पार्ट से सिरपुर को बौद्ध सर्किट के रूप में जोड़ा जाएगा, जरीमा हवाई अड्डे में सुविधाओं का विस्तार, कई भवन और सड़कों का लोकार्पण, सिंचाई की समुचित व्यवस्था, नहर निर्माण पर जोर। भाई अमरजीत जी ने मांग की है हॉर्टिकल्चर कॉलेज की, उसकी घोषणा करता हूँ। साथ ही धर्मा एयरपोर्ट के बारे में महाराज ने भी बताया है। अमरजीत भाई मांग की, सरगुजा की मांग है कि एयरपोर्ट संचालित हो। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिस प्रकार से जगदलपुर संचालित हुआ है उसी प्रकार से हमारा धर्मा एयरपोर्ट भी संचालित हो, यह हम लोगों का प्रयास रहेगा। सरगुजा के किसान भी बेहद खुश हैं। किसानों का कहना है कि बीते साल में भूपेश सरकार ने काफी अच्छा काम किया है, सिंचाई की दिशा में नहर निर्माण के कार्यों में भी तेजी आई है। ये जो मांग हमारे किसानों का था बहुत समय से लंबित था, आज सरकार बनते ही आज 2 साल नहीं बीतने पाया उतने में आज नहर का मरम्मत कार्य सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। आज जो सरकार है कांग्रेस की सरकार बहुत ही सरकार है, ये किसानों के हित में काम करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरगुजा वासियों से वादा किया है कि जो भी मांग आप लोगों की रहेगी सरकार पूरी करती रहेगी, विकास के लिए पैसों की कहीं कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। साथ ही भूपेश बघेल ने कहा कि सरगुजा को विश्व पटल पर पहचान मिले इस दिशा में भी काम करते रहेंगे। सरगुजा से राम कुमार यादव के साथ वैभव शिव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।